डोरेमोन, नौबता का नया डायनासोर। नौबता अपने दोस्त के साथ एक डायनासोर नुमाइश देखने जाता है। वहां एक खुदाई के तजुर्बे में अपने दोस्तों से वादा करता है कि वो एक डायनासोर दरियाफ्त करेगा और ये भी कहता है कि अगर वो नाकाम रहा तो वो बंद आंखों से मूंगफली खाएगा। जब वो खुदाई का तजुर्बा छोड़कर जाता है तो वो एक पत्थर पर ठोकरता है और इसे शुबा होता है कि उसे एक अंडे का फोसिल मिल गया है। वो घर जाता है और डोर को फोसिल अंडे पर टाइम वार्पिंग कपड़ा इस्तेमाल करने पर राजी कर लेता है और जुड़वां परिंदे नुमा डायनासोर बाहर आते हैं। डोर को पता चलता है कि वो अखला की मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया में दर्ज नहीं होने वाले डायनासोर की एक नई नस्ल है। नौबता जुड़वां डायनासोर का नाम कीव और म्यू रखता है और डॉक्टर डायनासोर की नसीहत पर उनकी देखभाल करना सीखता है। तेजी से बढ़ने वाले ये दो मखलूक बतदरीज अपनी नशोनुमा में फ़र्क जाहिर करते हैं। म्यू ने उड़ना सीख लिया है लेकिन छोटे क्यू ने नहीं। जैसे जैसे क्यू और म्यू बढ़ते हैं, नौबता का कमरा उनके लिए बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए वो क्यू और म्यू को ज़्यादा आज़ादी देने के लिए बर्डन डेवरामा सीट इस्तेमाल करते हैं। वो दिन आता है जब नौबता अपनी हिम्मत पूरी करता है। जब उसके दोस्त आते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि नौबता ने वाकई एक डायनासोर ढूंढ निकाला है। इस मकाम पर क्यू और म्यू बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं जिसकी वजह से नौबता की माँ ऊपर आ जाती है। वो खलाई नकलो हरकत वाले करैंक का इस्तेमाल करके क्यू और म्यू को छुपाने की कोशिश करते हैं, ताहम कस्बे वाले क्यू और म्यू को देखते हैं। ये समझते हुए कि क्यू और म्यू अपने पूरे कद तक पहुंच चुके हैं, उन्हें अपने जमाने में वापस जाना चाहिए। नौबता को उसे कबूल करने में मुश्किल पेश आती है लेकिन वो फैसला करता है कि ये बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। अगली सुबह पांचों टाइम मशीन में सवार हो जाते हैं। डोरेमोन की पार्टी टाइम फॉरशेकी की मदद से फोसिल अंडे के जमाने के हिसाब से नीट कटिशत दौर में वापस चली जाती है। ताहम उन्हें पता चलता है कि वो दरहकीकत जूर दौर में है। टाइम मशीन की तरफ वापसी की दौड़ में नौबीता ठोकर खाकर दलदल में ब्रीडिंग डेवरामा सीट खो देता है। एक कमरे का मंजर आता है जहां जनरल एक सफेद बंदर की शक्ल में नौबीता और उसके दोस्तों की कार्रवाइयों की खुफिया निगरानी कर रही है जब वो नटली नामी एक खातून के काल का जवाब दे रहा है। इस बात से बेखबर कि उनकी निगरानी की जा रही है, ग्रुप क्यू और म्यू के साथियों की तलाश करता है और आखिरकार समंदर तक पहुंचता है जहां रास्ते में कोल एक टारबूसवर्स जो असल में उन पर हमला आवर हुआ था और टाप एक सयुसराटोपस सफर के दौरान उनमें शामिल हो गए क्योंकि दोनों को टुमोडाची चॉकलेट ने काबू कर लिया था। जब जियान और सोन्यू क्यू और म्यू की किस्म के बारे में मजीद सिराग तलाश करने के आगे बढ़ते हैं तो जनरल इन्हें पकड़ लेती है और डोरेमोन और दीगर एक बड़े पट्रूसवर के हमले के खतरे में है। नौबीता और क्यू समंदर में गिर जाते हैं लेकिन एक प्लीसियसेओर की मदद से बच जाते हैं जो मशकूक तौर पर पीसोके से मिलता है, जो उन्हें एक जजीरे पर ले जाता है जहां वो डोरेमोन, शिज़ुका और म्यू से दोबारा मिलते हैं। ये जजीरा इन जैसे डायनासोरों का मस्कन है जो क्यू और म्यू की नस्ल से है। नौबीता दोनों को अपने ग्रुप में वापस ले जाने की कोशिश करता है लेकिन क्यू जख्मी हो जाता है और ग्रुप उसे ये कहकर मुस्तरद कर देता है कि क्यू मुख्तलिफ है। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि नए डायनासोरों के बरक्स क्यू उड़ नहीं सकता और उसकी दम छूटी है। रंज और गम से कांपते हुए नौबीता ऐलान करता है कि क्यू खुद ही उड़ सकता है। इस दौरान जनरल और नटली जो एक आबदोज में जजीरे के रास्ते में थीं, ने कहा कि एक गहरा असर फौरी तौर पर होने वाला है। जियान और सोन्यू जो उन्हें पिंजरे से फरार होते हुए देख रहे हैं, नक्शे को देखते हैं और असरार अंगेज जजीरे की सच्चाई को देखते हैं। इस वक्त नौबीता और क्यू जिन्होंने अभी उड़ान की तरबियत शुरू की थी उनमें गलत फहमी पैदा हो गई और तरबियत में खलल पड़ गया। नौबीता ने खामोशी से हौसला बढ़ाते हुए नीचे देखा और जब उसने सवाल की लकड़ी उससे एक नोट की तलाश की तो एक निशान वाली एक शख्सियत थी जो मुसलसल अकेला मश्क कर रहा था। उसने नौबीता को छूने के लिए तरबियत शुरू कर दी क्योंकि वो उल्टा चढ़ने के काबिल था। इसी लम्हे आसमान में चमकता हुआ एक बहुत बड़ा जिस्म गिरता है। जब वो सब इकट्ठे थे तो जियान और सोन्यू भी आगे भागे। डोरेमोन ने सबको बताया कि ये वो दौर था जिसने कर्टिशसक उनकराज का सबब बना जब 66 मिलियन साल पहले मेक्सिको के ओक्टीन जजीरा नुमा पर एक शहाब साकिब गिरा था। नौबीता ने शहाब साकिब को खला में मोड़ने के लिए मुखालिफ समत इस्तेमाल करने की कोशिश की
लेकिन टाइम पेट्रोल नमूदार हुआ और नेटली ने पार्टी की सरगर्मियों को रोक दिया। जेल ने इंकशाफ किया कि वो इस दौर को एक बार की गश्त के तौर पर देख रहे थे और इस बात पर जोर दिया कि तारीख को तब्दील नहीं किया जा सकता, चाहे वो ओहे के बारे में सोचता हो और नौबीता के दिल के करीब हो। ताहम नौबीता, जिसने मुखालिफ समत मशीन इस्तेमाल करने की कोशिश की, इसे टाइम पेट्रोल ने रोक लिया और हिरासत में ले लिया। कीव और म्यू नौबीता की हिफाजत के लिए लपके और डोरमून और दीगर जो उसकी हिफाजत करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। ताहम जब जेल ने नौबीता और कीव पर चेक कार्ड रखता है तो कार्ड रोशनी खारिज करता है। जेल और उसके टाइम पेट्रोल ग्रुप ने उनकी सरगर्मियों में मुदाखलत न करने का फैसला किया, जैसा कि टीम कीव म्यू और दूसरे डायनों की मदद के लिए लड़ती है। जियान और सोनियू की फराहम करदा मालूमात से इंकशाफ हुआ कि ये जजीरा दरअसल ब्रीडिंग डेवरामा सीट था, जो नौबीता ने जुरासिक दौर में अपने वक्त के दौरान गिराया था। और वक्त गुजरने के सीन, शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करने का बटन दबा दें।